आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछे पेमेंट के बारे में कि मेरी YouTube पेमेंट का क्या हुआ, मैंने बताया था अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्यों नहीं आई है वो मैंने पता कर लिया है भाई। YouTube खाली भाई इतना नहीं है कि आप चैनल बना लो, वीडियो डाल दो, उसके बावजूद भी काफी तकलीफ होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, रात रहते, कैसे आप सब, उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नादो के हो चुके हैं रेडी, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। वैसे भाई कल रात को हमारे पास एक कॉल आई थी हमारे एक सब्सक्राइबर की कि आज उनको वृंदावन में कुछ सवारियां हैं, उनको घुमाना था, लेकिन कल रात को उन्होंने पैसे पूछे, मैंने पैसे बताए और बोले कि भैया अभी थोड़ी देर में मैं बात करके कंफर्म करके बता दूंगा। तो अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया, कल रात से लेके अब सुबह 8 बजे तक। तो भाई शायद वो कैंसिल हो गया, उनको पैसे ज़्यादा लगे या कुछ और प्रॉब्लम है, ये तो वो ही जाने। फिलहाल अपन के पास ये है कि अपन मथुरा जंक्शन चलते हैं, वहाँ से अपना दिन चलाएंगे, अपना काम धंधा करेंगे, यहाँ से निकलते हैं, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए निकलते हैं। वैसे दोस्तों हमारी महिंद्रा ट्रियो की साफ सफाई बच्चों ने कर दी है कि नहीं की आज? हाँ हालत देख के लग रहा भाई नहीं की है, आज घोटाला कर दिया बच्चों ने। चलो खुद ही कर लेते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। गुड मॉर्निंग मथुरा जंक्शन। वैसे भाई लोग मथुरा जंक्शन पर आ तो गए, पर यार सन्नाटे बहुत दिख रहे हैं, पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, आज फ्राइडे है फिर भी इतने सन्नाटे, समझ में नहीं आ रहा आज क्या हो गया। और दिन आता था तो भीड़ भाड़ मिलती थी, आज थोड़े से सन्नाटे हैं, शायद जल्दी सवारी आएगी, कोई गाड़ी नहीं है इस समय, आने देते बस मिलेगा कुछ तो बताऊंगा आपको। चलो स्कूटर वालों में झगड़ा हो गया, ये देखो भाई ये है यूपी, सबको जल्दी है और झगड़ा करने की भी इतनी जल्दी रहती है, 2 मिनट में बात जाती है। वैसे भाई कल रात को जो फोन आया था मैंने आपको बताया था कि एक सब्सक्राइबर का कॉल आया, उनकी सवारियों घुमाना है, और फिर उनका कोई कॉल नहीं आया, तो सुबह थोड़ी सी लग रही थी यार, सुबह सुबह अलर्ट हो गया, पता नहीं दिन कैसा जाएगा, पर भाई बंसी वाले की कृपा से मेरा अभी तक का दिन बहुत अच्छा गया है। अभी 11:30 बजे हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर भाई आज मुझे एक काम है। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछे पेमेंट के बारे में कि मेरी YouTube पेमेंट का क्या हुआ, मैंने बताया था अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्यों नहीं आई है वो मैंने पता कर लिया है भाई। मेरा जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है ना उसमें यार कोई शिफ्ट कोड होता है वो मांग रहा है, वो तो शिफ्ट कोड लग जाएगा तब जाके वो YouTube पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगी। तो भाई मैं घर जा रहा हूँ, अपनी बैंक की पासबुक उठा के सीधा जाऊँगा अपने बैंक, वहाँ से शिफ्ट कोड पता करूँगा। वैसे भी 2 साल से मैं बैंक गया नहीं हूँ अपने, तो वहाँ जाके जो मेरी पासबुक है उस पर एंट्री नहीं हो रही है 2 साल से, एंट्री भी करवा लाऊंगा। तो काम धंधा सुबह के टाइम में ठीक ठाक हो गया है, तो सोच रहा हूँ इस काम को भी खत्म कर ही देता हूँ। चलिए घर से पासबुक उठाते हैं, अपनी आईडी वगैरह उठाते हैं और सीधा चलते हैं बैंक। पैन कार्ड और आधार कार्ड, चेकबुक, भाई पेपरों को इन्होंने पूरा का पूरा भसड़ी में फैला रखा है, है फाइल में रखी। मेरी वाली पासबुक दे, तुम्हारी है जी, देखो हाँ फोटो लगा, स्टेट बैंक वाली, ठीक है। भाई मैं तो आया था अपने पेपर लेने के लिए, बैंक की किताब, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि 2 साल से बैंक ली गया हूँ, और यहाँ घर में अलग ही भसड़ फैली पड़ी है। मैडम तो तैयार रेडी हो रही है अपने मायके जाने के लिए, मैं कल बताया था ना हमारी मैडम की भाभी के भतीजे की शादी है, तो भाभी जी जा रही है शादी में, मैडम जी जा रही है इनका घर संभालने के लिए, घर में जो काम झाड़ू पोछा का करना होता है उसके करने के लिए, और ऐसे तैयार होके जा रही है हीरोइन की तरह। ये देखो ऐसे कपड़ा पहन के झाड़ू पोछा करेगी माँ, है गोबर डालनो है, भैंस को करनो है, ऐसे कपड़े थे बेइज्जती थी थोड़ी है, सच्चाई बता रहा हूँ। आधार कार्ड खोदो, मिल गो बैंक की किताब नई वाली था, भरी भरा ये तो दूसरी है। चलो भाई मैं फिल्मों में देखता था कि घर में काम करने वाली झाड़ू पोछा वाली बन ठन के आती है, आज देखो हमारे सामने है, क्या चमक निकाल के जा रही है, झाड़ू पोछा कर ले खाली झाड़ू पोछा ला, गोबर भी डालेगी भैसल को, इतनी भैंस भी ना, चलो बन ठल के जा रही है भतीजे के पास, वो शादी करेंगी या काम करेंगी। दोस्तों मेरे काम ऐसे लटक जाते हैं भाई, मैं घर पे आया था अपने बैंक के कागज लेने के लिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, मैडम जी रेडी उठी हुई मिल गई, तो मैडम बोली मुझे छोड़ाओ पहले, और मैडम को टैंक चौराहे छोड़ूंगा फिर वहां से घूम के जाऊंगा। 12:30 बज चुके हैं, अभी बैंक भी जाना है, तो मुझे लग रहा है भाई 2 बजे से पहले घर वापस नहीं आऊंगा, 2 बजे आके तब खाना मिलेगा मुझे, रोटेशन पूरा का पूरा घुमा देते हैं मेरे घर वाले।
मैडम तो रेडी होकर चल रही, चार पांच दिन की गई इनकी, तो चार पांच दिन में आएगी। हाँ, मंगल की तो बारात जाएगी। 14 तारीख की बारात है, 12 की बारात है, 13 को दुल्हन आएगी, तो शायद 13-14 में तेरी भाभी वापस आएंगी, तब तुम लौट के आओगे। लग गई लंका। अब रोजाना अंजलि और बैंक में घर के काम करने के पीछे लग गए झगड़े होंगे, मैं फंस गया। तुम भी तो कहते हैं चली जा चली जा, अगर इनमें लड़ाई भाई तो मैं भी आ जाऊंगा गाड़ी लेके, वहीं थोड़ी ध्यान ना की हो, वहीं रहेंगे, आगे तो बुलाबो तो भूल जाएंगे। बाय बाय, अब 5 दिन बाद दिखेगी वीडियो में, ठीक है, आराम से जाइयो, और घर पहुंचते ही कॉल कर दियो, ठीक है ना, काई से भी करवा दियो। नहीं भैया, तो भाई लोग मैडम को तो छोड़ दिया, अब चलते अपने बैंक अपना काम करवा लेते, उसके बाद घर जाएंगे, तब खाना पीना मिलेगा भाई, एक बच्चों का ऑलरेडी बाट लग जाती है, किसी किसी दिन किसी काम में अलग चल दिया जाओ ना, इसीलिए मैं घर के काम पेंडिंग रखता हूँ भाई, ये कहीं फंस गया तो फिर मेरा पूरा दिन का बेड़ा गरक हो जाता है। अब बैंक में पता नहीं कितना टाइम लगवाएंगे बैंक वाले, सरकारी बैंक है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार, चलो वहां भी जाके देखते हैं। और भाई मैं अभी बता रहा था ना, 2 साल से बैंक नहीं आया हूँ, तो बैंक ना आने की एक वजह दिखाता हूँ आपको। देखो अभी मैं इस साइड में हूँ और मेरी बैंक जस्ट उस तरफ को इस ट्रक के पीछे, अब यहाँ से हाईवे क्रॉस करना है ना, तो भाई यहाँ तो 7-8 किलोमीटर आगे से टर्न लेके आओ, और वरना यहाँ गाड़ी कहीं छोड़ो, तब ये हाईवे क्रॉस करो, तब तो मैं उधर को पहुँचेंगे बैंक पे। अब देखता हूँ यहाँ कोई गाड़ी खड़ी करने देगा तो गाड़ी खड़ी करके पैदल रोड पास करूंगा, वरना देखा जाएगा। हाँ तो जी भाई लोग, ये पीछे जो दिख रही है यही मेरी बैंक थी, ये SBI बैंक है बिरजापुर, मेरे घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर, बस यहाँ तक आने में मुझे 2 साल लग गए भाई, बैंक से ज्यादा काम ही नहीं पड़ता, जब से ये ATM पेटीएम वगैरह शुरू हुए ना, गूगल पे इस्तेमाल करता हूँ मैं, तब से पूरा का पूरा रायता फैला हुआ है, यहाँ बैंक तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारे काम बाहर से भारी हो जाते हैं। आज आया तो था मैं अपने बैंक का शिफ्ट कोड जानने के लिए, यहाँ आके पता चला मेरी बैंक की किताब जो है 2 साल से एंट्री नहीं हुई है, तो भाई मैं एंट्री करवाने लग गया, 3 किताबें फुल हो गई, एंट्री करवाते करवाते बैंक वाले बोले भाई साहब ऐसा करो लास्ट के 1 महीने की एंट्री करवा लो और निकल जाओ, ऐसे तो पता नहीं कितनी किताबें भर डालोगे, क्योंकि गूगल पे और उससे लगातार 10-20 रुपये 50 रुपये आते रहते हैं, वो सारी की सारी एंट्री में आती हैं। तो अपना काम हो गया, अब निकलते, बहुत जल्दी आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा मेरी यूट्यूब पेमेंट का, भाई तब से मैं तरस रहा था, केवल इस शिफ्ट कोड के चक्कर में मेरी पेमेंट नहीं आ पा रही है, आज इसको डाल दूंगा, तो हो सकता है अगले इसी महीने के 21 से 25 तारीख के बीच में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा कितनी यूट्यूब पेमेंट आई है। चलो अपनी गाड़ी पे पहुंचते हैं, पहले जाम को क्रॉस करके, भयंकर वाला जाम है भाई हाईवे पे, चलो ये भी देख लो, ये देखो भाई ये वाला जाम पार करना है मुझे, सिर्फ इस तरफ को नहीं उस तरफ को भी है, जब गाड़ियां रुकेंगी तब पार करेंगे, पहले भी किया था अब दोबारा करना पड़ेगा, रुक जाओ भाई निकल जाने दो, एक तो बीमारी है कोई रुकता नहीं है किसी के लिए हमारे देश में, अगर तुम्हें किस काम करना अपना तो खुद ही निकलना पड़ेगा वीडू, ये लो भाई मैं कहा कर रहा है ट्रकों के बीच में गाड़ियों के बीच में टहलते हुए मनोज कुमार, निकल जान दे भाई, ओए ओए स्पीड पकड़ गए भाई, अबे यार ब्रेक लगा ले भाई, लो भाई फतेह हो गई अपनी, दोनों रोड पार हो गए, काम भी हो गया बैंक का भी, अब घर जाके आराम करूंगा, ब्लॉग एडिट करूंगा, शाम के टाइम में निकल के जाऊंगा गाड़ी चलाने, तब तक घर पहुंचते हैं, गाड़ी मैंने पीछे एक दुकान वाले भाई साहब के पास छोड़ दी थी कि भैया 5 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे आधा घंटा हो गया भाई अंदर ही, पहले तो बैंक वालों ने मना कर दिया था कि हमारे ब्रांच का शिफ्ट कोड ही नहीं होता, आप किसी और बैंक में जाइए या मेन ब्रांच में जाओ, जब मेन ब्रांच से पता चलेगा, शाबाश है भाई, बिल्कुल बगल से निकला है, दिख रहा है ना हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कर रहा है बंदा, चलो गाड़ी उठाते घर पहुंचते हैं यार। देखो भाई गीता के जाले से क्या जुलम हो रहा है, मंगू बर्तन साफ कर रहा है, और ये छोरी मैं कर चुकी हूँ 2 बार, तो मंगू पे साफ करवा रही है तू, रात में करूँ तो बुखार आ जाए, दोबारा बीमार हो जाऊंगी। अच्छा छोरा पे बर्तन साफ करवा रही है, अरे नहीं वो करवा, भाई रे भाई इन हद कर रखी है अंजलि वैसे तो।
हाँ तो जी भाई दोस्तों, एक और दिन खत्म होने को जा रहा है, रात के 10:30 बज चुके हैं। और भाई इससे पहले कि मैं ब्लॉग का एंड करूं, सबसे पहले तो आपके कमेंट्स के जवाब दे देता हूं। सबसे पहले एक भाई साहब हैं जो कि बोल रहे हैं कि भैया हम संडे को अपनी कार से मथुरा आ रहे हैं, क्या आप हमें घुमा देंगे, क्योंकि वो संडे को आ रहे हैं और शाम को आने की बोल रहे हैं। तो संडे का 10 तारीख है और 11 से भाई मेरे पास एक गुजरात से एक अंकल आंटी है, उनका पहले से कॉल आ रखा है, लगभग 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला है कि भैया 11 को हम मथुरा पहुंच जाएंगे, फिर आपको घुमाना है। और 11 से लेके 15 तक मैं बिजी हूं, तो सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले उनको बोल दिया है। अब वो नहीं आते हैं तो मैं फ्री रहूंगा, अगर वो आते हैं तो फिर भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही मैं उनको बुकिंग दे चुका हूँ और उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया था कि भैया ऐसा मत करना कि एक ही बार में आप 2 बुला लो और फिर चक्कर पड़ जाए, तो सॉरी सर नहीं हो पाएगा। उनका नाम आयुष जी हैं जो कि बोल रहे थे कि हम संडे को आ रहे हैं, सॉरी सर। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आके एक मैसेज डाल देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, जो भी हेल्प या जो भी मदद कर सकता हूँ वो जरूर करने की कोशिश करूंगा। एक राजेश महेश्वरी जी हैं, वो बोल रहे हैं भाई हम आपका ब्लॉग रेगुलरली देखते हैं, थैंक यू सर आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, ऐसे देते रहिए। बाकी शिव शरण चौरसिया जी हैं और हमारे आंसू भाई हैं, सभी लोगों के जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और भाई आज के दिन के बारे में बात करूं तो आज का दिन मेरा ज़्यादातर गया है अपने यूट्यूब पेमेंट के चक्कर में, बैंक के चक्कर लगवाए। यूट्यूब खाली भाई इतना नहीं है कि आप चैनल बना लो, वीडियो डाल दो, उसके बावजूद भी काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैं कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा शिफ्ट कोड आता है बैंक का, उसके लिए बैंक जाना पड़ा क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं आई थी। मैंने बोला था कि पेमेंट आने वाली है, मैसेज आ रखा था, और जब पेमेंट नहीं आई तो मुझे टेंशन हुआ कि हुआ क्या है, क्यों नहीं आई। तो फिर पता चला कि भाई शिफ्ट कोड हमने नहीं डाला है। बैंक पहुंचा तो बैंक वालों ने मना कर दिया कि इस ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं है, आप मेन ब्रांच पे जाइए, वहां से शिफ्ट कोड मिलेगा। तो मैंने उनसे बोला कि हमें जो मेन ब्रांच का शिफ्ट कोड है उसको डाल के इस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो वो बोले कि भैया हमें कुछ नहीं पता, आपको मेन ब्रांच पे जाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो मैं टेंशन में आ गया यार कि मैं इसको डाल दूं और पैसे नहीं आए तो फिर क्या चक्कर, कहाँ कहाँ भटकूंगा। तो फिर मैं मैनेजर के कैबिन में गया, जो बैंक के मैनेजर थे उन्होंने मुझे शिफ्ट कोड दिया। उन्होंने बताया कि जिस बैंक का ये शिफ्ट कोड है वहाँ से पैसे आके हमारे अकाउंट में आपके में आ जाएंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो भाई कोशिश की है, जल्दी ही अब यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी। वैसे यूट्यूब पेमेंट का जो टाइमिंग है वो फिर से मेरे पास शो कर रही है 21 से लेके 25 तक। तो आज मैंने शिफ्ट कोड को डाल दिया है, शायद इस महीने 21 से लेके 25 के बीच में मेरी YouTube पेमेंट आ जाएगी और आप लोगों की ये जो बेसब्री है वो भी खत्म हो जाएगी। और भाई बैंक से आने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद शाम को निकल गया था गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी चलाते चलाते मुझे ब्लॉक करने का ध्यान भी नहीं रहा, उसके बाद थोड़ा सा मैं चला गया था मेले के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा था मेला दिखाऊंगा। तो कल वाले वीडियो में आपको मथुरा का जो मथुरा जंक्शन पे मेला लगा हुआ है उसका पूरा देखने को मिलेगा कि क्या क्या है उस मेले में, तो कल वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा। फिलहाल खाना पीना खाते हैं और आराम करते हैं, आज हमारी मैडम चली गई हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। तो भाई खाना पीना दाने की सारी जिम्मेदारी हमारे मंकू के ऊपर है। शेर ही कह दे मंकू। वैसे भाई तेरे लिए भी काफी कमेंट आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तेरे बाल सफेद इसलिए हो रहे, तू मोबाइल ज्यादा चलाता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तो मोबाइल थोड़ा कम चलाया कर, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, ठीक है ना। एक भाई साहब ये भी बोल रहे हैं कि मंगू बालों की टेंशन मत ले, कलर आता है कलर करवा लेना बाकी कोई दवाई नहीं है, ठीक है सर। खाना पीना खा के आराम करते हैं, इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।